हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्डन बाय हेनरिक डेविड थोरो। ही वाज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1817 एंड डाइड ऑन 6 मई 1862। ही वाज एन अमेरिकन एसेइस्ट, पोएट, नेचुरलिस्ट। ही इज नोन फॉर हिज बुक वॉल्डन, एंड इन दिस बुक इन्होंने सिर्फ नेचुरल सराउंडिंग्स को रिलेट किया है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताया है। So the book reflects upon simple living in natural surrounding. It was published in 1854. He experienced over 2 years, 2 months and 2 days. तो दोस्तों, ये जो बुक है इसमें थोरो ने अपने पर्सनल परफॉर्मेंस एंड एक्ट्स को दिखाया है। कितने दिन रहे? तो 2 years 2 months and 2 days उन्होंने अपनी लाइफ को जंगल में बिताया, फॉरेस्ट में, ठीक है। और इस बुक का हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, वो है लाइफ इन अ वुड्स। कैसे लकड़ी का घर बनाकर उन्होंने अपने लाइफ को देखा है कि मॉडर्न वर्ल्ड से हम लोग लग्जरियस लाइफ से हम लोग कैसे एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं। ये पूरी की पूरी उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द थीम्स। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट इज मेडिटेशन, सेकंड इज प्रोग्रेस, थर्ड इज सिंप्लिसिटी, फोर्थ इज सेल्फ रियलाइंस एंड फिफ्थ इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अभी हम लोग एक एक करके और पूरी चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। समरी में मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो वॉल्डन इस बुक में हमें एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने अपनी सिंपल लाइफ कैसे वॉल्डन पॉन्ट नियर कॉनराड में बिताई। दोस्तों, थोरो ने पहले चैप्टर में इकोनॉमी को डिफाइन किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डोमेस्टिक मैनेजमेंट को भी डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो दोस्तों, कैसी बिजी लाइफ को ये छोड़कर बहुत प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में इन्होंने फेस किया, और ये कहाँ चले जाते हैं? तो वॉल्डन लेक चले जाते हैं। वहाँ पे ये एक लैंड बोरो करते हैं अपने ही एक क्लोज फ्रेंड से, जिसका नाम है रैल्फ वाल्डो इमर्सन। उनसे ये लैंड किराए पर लेते हैं और लकड़ियों का काम शुरू करते हैं, घर बनाते हैं वहाँ एक छोटा सा अपना, और अपने सर्वाइवल के लिए, पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए वेजिटेबल्स प्लांट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा दिन, जितना साल वो वहाँ रहे, बहुत ही रिलैक्स होकर बिताते थे। सुबह में वो उठकर अपने बगान की साफ सफाई और पानी पटाना सबको करते थे, वेजिटेबल्स को, ठीक है। बीन्स हो गए, यहाँ पे बीन्स बताया गया है मीन्स इनके बुक में सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद फिर दिन में वो रीड करते थे बुक्स वगैरह, और शाम को वो वॉक करते थे पूरे कंट्री साइड में। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि वो जंगल में पॉन्ड के पास अकेले रह रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी होते थे, फार्मर्स, पीजेंट्स, रेल रोड वर्कर्स, सारे लोग होते थे, वॉल्डन को वॉच करते थे, ये उनको वॉच करते थे, बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। एक दिन किसी वजह से ये अपने दोस्त से मिलने कॉनराड पॉन्ड के काफ़ी दूर गए, बिजनेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक का बात करने के लिए गए थे। तो वहाँ से लौटते समय कुछ हुआ रास्ते में और इन्हें जेल जाना पड़ा। फिर अगले दिन ये छूट गए। ये यहाँ नेचर के साथ काफ़ी अटैच हो गए हैं, सीजन्स इन्जॉय करते थे, बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पे उनको सुकून मिल रहा था, मेडिटेशन एक तरीके का ये इनके लिए था। वो एनिमल्स के साथ काफ़ी अटैच हो गए हैं, और वो काफ़ी खेलते थे एनिमल्स के साथ, मीन्स बर्ड्स के साथ खेलते थे वो, और काफ़ी इन्जॉय करते थे एक तरीके का। यहाँ पे बुक में इन्हें नाम दिया गया है प्लेफुल, और ये यहाँ पे बर्ड क्या एक एक वुड, एक एक लीफ से एक मॉरल गेन करते थे और नॉलेज गेन करते थे। दोस्तों, जैसे ऑटम सीजन टर्न करके विंटर में होता था, थोरो जो है ये अपने प्रिपरेशन शुरू कर देते थे कोल्ड से बचने के लिए। ये स्क्वेरल्स को सुनते थे, रैबिट्स, फॉक्स एंड ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देखते थे कि वो लोग जाकर फूड कैसे गैदर करके लाते हैं। इसलिए लाते थे वो लोग फूड क्योंकि विंटर में तो स्नो हो जाएगा, स्नोफॉल, फिर तो फूड उन्हें मिलेगा नहीं। और तो और वो बर्ड्स को देखते थे कि वो लोग कैसे माइग्रेट करते हैं। वो अपने जो केबिन थे, जो वुड का केबिन बनाया था इन्होंने, उसे ये बिल्कुल प्लास्टिक कर देते थे, ठीक है, ताकि विंड ना आ सके। कुछ भी हो जाए, वो वॉल्डन पॉन्ड को कभी नेग्लेक्ट नहीं करते थे। रात को वो नदी के पास बैठते थे, विंड की आवाज़ सुनते थे, विसल सुनते थे, और फिशरमैन को सुबह में देखते थे कि वो लोग कैसे आकर कट करते हैं ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ वुड्स, और वो लोग कैसे सिटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं ये सब, और कैसे आइस मेल्ट करके वॉल्डन पॉन्ड में बह जाती है। दोस्तों, इस पूरे स्टोरी में इससे मिलने के लिए काफ़ी कम लोग आते हैं, लाइक 2 या 3 मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं इसे मिलने के लिए, मतलब इसके फ्रेंड्स लोग, वरना जो भी इंसान, जो भी जिससे भी मिला है ये, वो उसी जगह का एक पुअर गरीब आदमी रहता है, ठीक है। इन्होंने कभी वहाँ पे जितना 2 साल बिताया है, वेल्दी पर्सन और वेल्दी क्लास के लोगों से ये नहीं मिले हैं।
उसके बाद जब ये नेचर से काफ़ी अटैच हो गए तो ये एक सोचे कि मैं मैप बनाता हूँ, उसमें मैं देखूंगा, लेआउट करूंगा, मेजर करूंगा डेप्थ को, सीज के डेप्थ को, दैट इज वॉल्डन पॉन्ड को। जब ये मेजर किए तो वो बिल्कुल 100 फीट से भी कम निकला। जैसे विंटर पास होती है तो स्प्रिंग आती है, ये काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं विंड को एज अ वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक वर्ल्ड फेस करता है एक टाइम में। तो फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं कि नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, नेचर हमें कितना सुकून देता है, और लग्जेरियस लाइफ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जितना सुकून आपको नॉर्मल डेज में नींद नहीं आएगी, जितने अच्छे से आपको पेड़ के नीचे नींद आएगी शाम में, रात में। ओके, सो अब विंटर ख़त्म हो चुका है, अब स्प्रिंग आ गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्शन ली है, जस्ट लाइक विंटर। यहाँ पे आइस मेल्ट हुआ है और वो वॉल्डन पॉन्ड में जा रहा है, ठीक है। ये एक ईको उनके कान में जा रही है और काफ़ी वो अच्छा फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ये डिस्क्राइब करते हैं स्प्रिंग को, विंटर के बाद वाली स्प्रिंग को, कि ये एक ऐसा वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ हम लोगों के सारे सिंस धुल जाते हैं, ऑल द सिंस आर फॉरगिवन। ओके, सो उनकी प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुकी है एंड ही इज़ नाउ शिफ्टिंग टू हिज अगेंस्ट सिविलाइज्ड लाइफ ऑन September 6, 1847। वहाँ पे जब ये पहुँच गए हैं तो यहाँ काफ़ी डिफरेंट फील कर रहे हैं। जहाँ से ये लौटे हैं वो एरिया ने इन्हें एक बहुत पावरफुल आदमी बना दिया है, एक ह्यूमन सोल को प्यूरीफाई करके भेजा है और काफ़ी ज़्यादा ये उसमें इंडल्ज हो चुके हैं। ओके, सो हियर गाइस ये बताते हैं कि एक अनटैप्ड पोटेंशियल है जो हमारे अंदर छिपी हुई है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि मीट लिव अ लाइफ एंड लिव फुली, मतलब कि अपनी ज़िंदगी है इसको खुल के जियो, नेचर से अटैच रखो। डजेंट मीन्स कि एक ऐशो आराम वाली लाइफ आपकी है, यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ टू द नेचर, क्योंकि नेचर हमें सब कुछ देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गिव अ हिट लाइक। थैंक यू सो मच एंड बी कनेक्टेड।